तो ये मम्मी का है बड्डा, ये रहा केक। मम्मी येरी लियो भी बैठा है बड्डा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तारीख है 10 तारीख, 10 नवंबर। ये वीडियो जब भी डले मुझे नहीं पता, बट आज तारीख 10 नवंबर है, मम्मी का है बर्थडे। तो इस बार वैसे तो मतलब अभी आपको दिखाता हूँ वीडियो में कौन है वो। उसने बोला, ये ना कुछ करता नहीं, मैंने बोला करने को। इसने बोला मम्मी को सरप्राइज देते हैं, तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देते हैं कि बर्थडे है वो है, तो बैलून फुला रहा हूँ अभी मैं। बाकी अब देखो, मैंने तो मना करा था कि नहीं रहने दो, मम्मी को तो फिर भी शायद अच्छा लगता। पापा आंटी को लगेगा अच्छा। पापा अब देखो अब क्या बोलते हैं। मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा शायद, जहां तक मेरा है सोचने का। बाकी अब फुला रहे हैं ये बैलून, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सजाते हैं पूरा घर, पूरा घर क्या मतलब, देखते हैं कौन सा कमरा सजाना है। मम्मी को सरप्राइज देंगे, वो देखते हैं कैसा लगता है मम्मी का रिएक्शन। एक और बार बता दूं, ये चीज पहली बार हो रही है, नहीं तो वैसे तो एक बार हुआ था, एक बार हुआ था शायद से। केक सिर्फ नॉर्मल केक लाए थे, सिर्फ नॉर्मल केक लाए थे, बाकी अब देखते हैं। तो अभी तक मैंने व्हाइट वाले बैलून फुला दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बैलून फुला दिए हैं। बाकी आपको भी बताएंगे धीरे धीरे और क्या क्या सरप्राइजेज हैं। इतने ज्यादा कुछ नहीं है, अब पता नहीं मम्मी को सरप्राइज लगे ना लगे, लेकिन ऐसे लास्ट वाला लग सकता है सरप्राइज। देखो क्या होता है। बाकी अभी तो मैं बैलून फुला रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको बैलून फुलाते हुए। जैसे कि भी आपने टाइम से लाइफ में देखा होगा, मैंने कितनी जल्दी जल्दी बैलून फुला दिए, उसमें आपको अच्छे से पता नहीं चला होगा। ये देखो, ये पंप है, इस ये पंप है, इसके आगे बैलून लगाया। तो अब ऐसे इसे फुलाया, तो आपको उस समय पता नहीं चला होगा कैसे ये फुलाने लगा पड़ा, कैसे फुलाने लगा पड़ा। ये देखो, इसको अब ऐसे बांध दिया, इसको यहाँ रख देते हैं। बाकी फूंक से ही फुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बड़ा हो सकता है, बाकी हम ज्यादा बड़े बड़े इसलिए नहीं फुला रहे हैं कि जिससे वो ज्यादा टाइट हो जाते हैं ना, फटने का डर रहता है। तो इसलिए यार नॉर्मल रखो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, फटने से बढ़िया है छोटे बना लो। ये अभी और फूल सकते हैं, है स्पेस बट नहीं, अब जब भरोसा नहीं, यहाँ पे रखे रखे भी फट सकता है कोई कोई। इसकी गांठ नहीं लग रही, बाकी आगे आप देखते रहो क्या क्या होता रहता है। अभी मैं बैलून फुला लूं, जब बैलून फुलाऊंगा तो बताऊंगा। देखो ओ, बाकी जो मैं ये बैलून फुला रहा हूँ ये पूरा सेट आया। ये इसमें आपको ये दिखेंगे, ये जो काले काले ये पर्दा टाइप होता है, ये कर्टेन्स, ये स्टार्स हैं, ये बैलून है, और ऊपर हैप्पी बर्थडे का स्लैश है। मैंने इतने बैलून फुला दिए हैं अभी, और इन्होंने ये फुलाया है स्टार, ये देखो स्टार फुलाया है इन्होंने, बड़ा अच्छा लग रहा है स्टार। बाकी मैं एक स्टार मैं फुलाऊंगा, देखो जरा स्टार, इसके अंदर होता है छेद, ये इसमें डालना है। बहुत ट्रिकी काम है ये। नहीं 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 देखो बस हो गया, ज्यादा नहीं, नहीं तो पन्नी खुल जाती है। एक स्टार हटाओ भाई, भर रही है गाइस, कमेंट करके बताओ भर रही है। जब ये अपना भर जाती ना, वो लॉक हो जाता अपना, नहीं टाइट हो जाता है हवा, और भरेगी भी है। ये बोल रहे हैं और भर लेगी, टाइट हो जाता है, भर देते हैं। जब ये भर जाते ना अब लॉक हो जाता अपना, बस 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 बस, बस। भर चुकी है। और इसमें इन्होंने क्या करा, एक स्टार में इन्होंने ऐसे टेप लगा दी, ये इसके लिए नहीं होता ऐसे, ये इसलिए यहाँ पे कुछ टांग कर ऐसे लटकाने के लिए होता है। मैंने टेप चलो लगा कोई नहीं, टेप लगा दी, बट अब औरों में मत लगाना। तो मैंने बताया आपको हम याला सेट लाए हैं, इसका मतलब आप देख रहे हो ना, जैसे इसमें सेट बना है ना, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा स्टार बैलून, सेम अंदर वही सेट होगा। तो ये देखो व्हाइट बैलून, ब्लैक बैलून कम है, कोई नहीं एक एक बैलून कम है, ऐसे कोई ज्यादा वो नहीं है, तो सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही दीवार में सजेगा। बाकी देखते हैं ऐसी सस्ता है नहीं। ये देखो ये हैप्पी बर्थडे का वो है,
तो इससे इन्होंने साथ में रस्सी भी दे रखी है, तो रस्सी इन छेद के अंदर डालेंगे तब बनाएंगे इनको। तो ये देखो अभी इतना हो चुका है, अभी और होना बाकी है, बाकी देखो क्या होता है, कैसा लगता है बताना जरा। ये हैप्पी बर्थडे का भी और लग चुका है टैग, आधे बैलून तो फूट गए, बाकी हम बैलून फटे जा रहे हैं, देखो देखो भगवान करे अब ना फटे, ये देखो। तो बैलून और होते तो भरा भरा हो जाता। तो गाइस ये देखो इतने सारे बैलून फटे हैं, तुम सोच सकते हो अगर ये बैलून यहाँ पे होते तो कितना और अच्छा भरा भरा लगता। ऐसी बात नहीं, अभी भी अच्छा लग रहा है, गंदा लग नहीं रहा। देखो हर चीज हो चुकी है, तो बाकी हम सोच रहे हैं जैसे कि ये, जैसे कि मम्मी जब आएंगी, ये दरवाजा बंद कर अब पता नहीं, देखो मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा, अब सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं मम्मी। बाकी देखो ये दरवाजा बंद करा, अंधेरा हो गया, रात को और अच्छा लगेगा क्योंकि अभी उजाली आ रही है, अंधेरा हो गया ना, यहाँ से भी थोड़ा बंद करता हूँ, ट्राई करता हूँ, अंधेरा हुआ तो यहाँ से हम अगर याली लाइट चलाएंगे तो ये देखो आपको कैमरे में इतना अच्छे से दिख रहा है, बट ये ग्रीन कलर की लाइट है, कैसा लग रहा है, थोड़ा पीछे करके दिखाऊं, ये देखो। तो बाकी देखो मम्मी को क्या बोलती हैं। तो मम्मा आ चुकी हैं, तो मम्मी आ चुकी हैं, लियो को तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। चलो थैंक यू थैंक यू। मम्मी आती ही बोली ओ बाप रे, क्या है क्या, अच्छा लगा, सरप्राइज हो गया। तो अब मेन दिक्कत, मैंने कहा था मम्मी को इतनी दिक्कत नहीं होगी, पापा को ही होगी दिक्कत। तो अरे क्या दिक्कत, कुछ नहीं होगी, पापा ही करेंगे, मेरा काम कर देते। तो यहाँ पे पापा आ चुके हैं, तो पापा के रिएक्शन देखो कैसा होता है। अबे यार तू भी यार पागल हो गया, तू यार पागल है तू, क्या नमस्ते क्या भाई यार, क्या पागल क्या यार तू यार हाँ पागल है तू क्या यार, तूने भी हाथ कर रखे यार, कोई छोटा बच्चा तू, पता नहीं क्या है यार। तो जैसे ही मैंने कहा था पापा को, मैंने कहा था पापा को पसंद नहीं आएगा, पापा यही बोलेंगे छोटे बच्चे हैं क्या, वो सो सेम वही चीज़ बोली, हाँ। मैंने यही बोला था, बाकी अभी अभी जस्ट पापा आए। ये तो पापा का तगड़ा वाला रिएक्शन, जेन्युइन होना चाहिए ना। तो पापा इसमें अपनी राय देना चाह रहे हैं, कुछ क्या बोलना चाह रहे हो? अब हटा यार। पापा बोले अगर छोटा बच्चा होता तो तब ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्या बोलना चाह रहे हो? अब पापा बोल दी रहे कैमरे के सामने, तो पापा ये बोल रहे ऐसे तो खुश, मेरे छोटा बच्चा होता 10 साल का तो वो खुश होता, खुश तो वैसे मम्मी भी हुई थी, बाकी आप बताओ कमेंट्स में क्या राय है आपकी। तो हम मम्मी के लिए केक ले आए हैं, हम अभी बाहर गए थे, वैसे ही आपने पापा का रिएक्शन देख लिया मज़ेदार, तो मम्मी का केक लेके आए हैं। आप ये बताओ सूट कैसा आया एकदम से ही, है ना, क्या बोल रहे थे आप? मम्मी ने नया सूट पहन लिया है, आज ही दे गया टेलर ने, आज ही दे गया, और देने का वादा था वैसे परसों, नहीं हाँ वो ना, हाँ परसों फोन आया कि आपका सूट सिल गया, मैं कहा आज तो स्कूल की छुट्टी है तो मैं कल आती हूँ, मम्मी उस समय बेसिकली ये बोलना चाह रही थी कि आज बर्थडे हो, आज ही सूट आ गया तो आज इतना सब, आज ही नया सूट पहन लेते हो, मम्मी ये बोल बर्थडे के लिए, इत्तेफाक से बर्थडे के लिए आ गया सूट, हाँ इत्तेफाक से बर्थडे के लिए सूट आ गया, तो फिर अभी ये तो सजा रखा ही है, बाकी अभी दिखाते हैं वीडियो में आगे। सजावट तो मम्मी कर रही है भैया से बातें,
सजावट अच्छी लग रही है। आप सब भी कमेंट में लिखते हैं राधे राधे। तो ये मम्मी का केक भी लाए हैं। एक दिया मुंडा पकड़ा हुआ है, हमें दिया जला है ना मोमबत्ती भी मत बुझाना। तो ये मम्मी का है बड़ा ये रहा केक। मम्मी मेरी लियो भी बैठा है, बर्थडे मना रहा है, बैठा हुआ है सीट आराम से, पापा भैया के साथ वीडियो कॉल में। चलो मम्मी चल भाई सुनो जा, हैप्पी बर्थडे बोल। फूंक मार रहा है ना, बोल फूंक 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 नहीं। चलो मम्मी बोली हमारे कल्चर में फूंक नहीं मारते, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। उस साइड से कैमरे में, कैमरा तो ऊपर है ना, ये ले भैया को केक खिलाया जा रहा है कैमरे में, ऊपर करो थोड़ा, दिख रहा है, दिख गया, दिख गया। अबे ले ले, बाकी आप बताओ कैसा है डिजाइन। पेस्ट्री लिया, पेस्ट्री लिया, पेस्ट्री लिया, पेस्ट्री लिया। मम्मी खुश खा लिया, लियो को कौन देगा। लियो बेचारा बैठा हुआ है, मेरा केक कब मिलेगा। देखो कब मिलेगा लियो, देखो मम्मी पापा को देते हैं। खेबुक खोल दिया। लियो को तो दे दो, बच्चे को लियो को दे, लियो को दो। खुशी के खाना अच्छा लगा तेरे पापा, क्या करेंगे। लियो भी केक खाएगा। लियो 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 थोड़ा थोड़ा ले, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। जी मतलब अच्छे लग गई, खा ले खा ले खा ले खा ले। लियो भी बैलून फुला रहा था, सुबह कुकू को राज में सबके मजे हैं, बस कुकू के मजे हैं कि नहीं है पता। तो मम्मी पापा यहाँ पे बैठ के मजे कर रहे हैं आज, तो ये खाना आज खुशी बना रही है, मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। और ये बोल रही है, क्या बोल रहे थे तुम, साल में एक ही दिन ऐसा आता है क्या, इंसान को रेस्ट मिलना चाहिए। तो इसने मेन ये सोचा कि मम्मी को रेस्ट मिल जाए, आज खाना होना समय बना, तो मम्मी अपना मजे से इसलिए बैठी हुई। तो ये सब कुछ ने पनीर का सोचा, पनीर बनाएंगे, बाकी आपने वो देख ही लिया डिजाइन विजाइन, मम्मी को अच्छा लगा है, देखते हम खाना कैसा लगता है। बाकी मम्मी इनका मेन है कुछ, बाकी तो मम्मी का था मेन, मम्मी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आज। तो अभी खाना बनने में है थोड़ा टाइम, अभी रोटी भी बनेंगी, अभी तो टाइम है। बाकी लियो अपनी मसाज करा रहा है बड़े मजे से, लियो अपनी बड़े मजे से मसाज करा रहा है। मम्मी का बर्थडे है तब भी मम्मी से ही मसाज करा रहा है। कितने मजे से बैठा हुआ है, अभी लियो सो रहा है, वीडियो बन रही है, मसाज नहीं करा रहा। आप देख रहे हो कैसे देख रहा है। तो खाना बन चुका है, पापा खाना खा रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं और पूछ रहे हैं ये सब्जी पीली क्यों हो रही है, पनीर की सब्जी। बाबा टीवी देख के मजे से। तो पापा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब्जी पनीर की पीली क्यों हो रही है, कमेंट में बताइए आप। तुम इसके कुछ उपाय देने चाहोगे, उपाय मतलब कुछ पीला क्यों हो गया। हल्दी, नहीं पता ये तो अब मैं भी खाना खाने लगा हूँ, ये भी खाना खा रहे हैं, पापा ने खा लिया खाना। पापी पापा बाकी राजेश खन्ना के फैन है तो गाना सुनते रहते हैं राजेश खन्ना का। पापा को इस गाने और इस टीवी में मजा आता है, यूट्यूब में देखते रहते हैं सब कुछ, बोले मैं अब सही हो गया टीवी, पहले एक दिन बोल रहे थे सही हो गया अब टीवी। तो अभी हम जा रहे हैं, तो मैं इसे छोड़ के आ जाऊँ, तो चलो चलते हैं, बाकी लियो को भी आके घुमाना है। कैसे बनी पनीर, अच्छी बनी, दही पनीर, दही पनीर, दाल पीली की होती है, सब पीली की हो रही होगी। तो गाइस आज का प्लान आपने जैसे भी देखा होगा पूरी वीडियो में कैसा लगा आप बताना। तो ये रहा जो सजा हुआ था लास्टली, तो मैंने खुशी को भी घर छोड़ दिया है। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बाय।